बेशिम सबके लिए जो संग में रहने वाले हैं उनके लिए संग शरण भूत होता है। शासन बड़ी चीज है, संघीय दृष्टि से देखा जाए तो शासन से बड़ा कोई नहीं है। और मेरा तो यह सोचना है कि आचार्य से भी बड़ा शासन है, शासन से बड़े आचार्य नहीं है। आचार्य और शासन में तुलना की जाए तो मेरी दृष्टि में तो आचार्यों से भी बड़ा शासन है। आचार्य खुद शासन की शरण में रहते हैं। तो शासन साधना का आधार है, वहाँ गाइडेंस मार्गदर्शन मिलता है, रोक टोक भी हो सकती है, उत्पथ पर जाने से बचाया भी जा सकता है। अकेले को कौन बचाए, कौन कहे, कौन सहयोग करे। संघीय साधना का बड़ा महत्व है। तो संघ में रहने वाले व्यक्ति यह सोचें कि हमारे द्वारा संघ की जो समुचित सेवा हो सके हम वह करने का प्रयास करें। संघ में सेवा का आश्वासन होता है तो वहाँ संख्या वृद्धि की भी संभावना बनती है। यहाँ सेवा का आश्वासन है और जहाँ भविष्य सुरक्षित न लगे वहाँ व्यक्ति जाएगा भी क्यों, जाने से पहले कितना सोचेगा कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो क्यों जाऊँ, वहाँ मेरे भविष्य की क्या सुरक्षा है। सेवा एक आश्वासन होता है। समुदाय में रुग्ण हो, वृद्ध हो, उन सब को समुचित सेवा प्राप्त करने का अवसर भी मिले, ऐसा प्रयास भी रहना चाहिए। और संघ सुरक्षित रहे, संघ हित के लिए व्यक्तिगत हित को गौण कर देना चाहिए। बड़े हित के लिए छोटे हित को गौण कर देना चाहिए। त्यजे देकम कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, कुलम जनपदस्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत। कुल का हित हो तो एक व्यक्ति के हित को गौण कर देना चाहिए, ग्राम का हित हो तो एक कुल का हित भी गौण कर देना चाहिए, जनपद का हित होता हो उसके लिए अपेक्षित हो तो गांव के हित को भी गौण कर देना चाहिए, और आत्मा के हित के लिए तो पृथ्वी संसार को भी छोड़ देना चाहिए। तो संघ की सुरक्षा, संघ का हित, व्यक्तिगत हित गौण, संघ हित हमारे लिए मुख्य रहना चाहिए। मैं कालू जी स्वामी रेल मगरा को याद करता हूँ। बड़े कालू जी स्वामी, उन्होंने संघ हित के लिए मानो कुछ अपना बलिदान किया। जब संघ के सामने विकट संकट आ गया था, संघ में कोई आचार्य नहीं रहा था, आचार्य विहीन संघ हो गया था, अनाथ संघ हो गया था, उस अनाथ संघ को सनाथ बनाने में कालू जी स्वामी का बड़ा योगदान रहा। और जब कालू जी स्वामी उदयपुर चतुर्मास करके लाडनों पहुँचे थे, विक्रम संवत 1954 की बात है, और संघ मानो इंतजार में था कि कालू जी स्वामी आएंगे तब कोई समाधान हो जाएगा। कालू जी स्वामी ने छानबीन की स्थिति का आकलन किया, साधुओं की मीटिंग की गई रात्रि में तखतमल जी फूलफगर के मकान के स्थान में साधुओं का सम्मेलन हुआ, और बड़े सुंदर तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ी।
कालू जी स्वामी ने कहा, संतों मुझे आचार्य की भिक्षा चाहिए, आप मुझे आचार्य की भिक्षा दो। संत बोले, मुनिश्री हम क्या भिक्षा दें, बड़े आप हैं, आप हमें भिक्षा दें, भीख दें आचार्य की। अर्थात कालू जी स्वामी को अधिकृत कर दिया गया कि आप निर्णय करो, वो सबको मान्य होगा। कालू जी स्वामी ने अपना वक्तव्य शुरू किया, शासन के गुणग्राम करते हुए आगे बढ़ते हुए, जब लगा कि बिल्कुल घड़ी आ रही है नाम के घोषित होने की, तो मगन मुनि भी वहीं उपस्थित थे ही, उन्होंने एक प्रश्न कर लिया मीटिंग में कि मुनिश्री एक बात बताइए, जिसका नाम घोषित करना चाहते हैं वह साधु यहाँ लाडनों में है या नहीं, यह बता दीजिए। कालू जी स्वामी ने कहा, लाडनों में नहीं, तब घोषणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायः साधु लाडनों में ही थे, और लाडनों में जो साधु थे उनमें हर किसी साधु के प्रति सबकी सहमति हो, न भी हो, कुछ कठिनाई भी हो सकती थी, पर लाडनों वालों में कोई नहीं, यह बात साफ हो गई, तब मगन मुनि भी मानो निश्चिंत हो गए, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कालू जी स्वामी ने डाल मुनि का नाम घोषित किया सप्तम आचार्य के रूप में। मैंने गुरुदेव तुलसी का आख्यान साहित्य देखा तो वहाँ यह संकेत है कि कालू जी स्वामी का अपना मत कुछ भी रहा हो, उन्होंने अपने मत को संघ हित में विलीन कर दिया और डाल मुनि को मनोनीत कर दिया। ऐसा लगता है कि कालू जी स्वामी रेल मगरा ने संघ हित को महत्व दिया, अपने व्यक्तिगत हित को महत्व नहीं दिया। और डाल मुनि जैसे संत तेरा पंथ को सप्तम अधिशास्ता के रूप में मिले। हम डाल मुनि को भी देखें, उन्होंने भी किस प्रकार अपने उत्तराधिकारी को प्राप्त कर लिया था। डालगणी के मन में यह बात थी कि इन्होंने मेरा नाम कैसे ऐसे निर्णीत कर लिया, मैं तो ज्यादा कोई गुरुकुलवास में इतना इन वर्षों में रहा हुआ भी नहीं हूं, यहां की गतिविधि से ज्यादा वाकिफ भी नहीं हूं, फिर मेरा नाम कैसे निर्णीत हो गया। कुछ रहस्य उद्घाटित करने की भावना हुई तो उन्होंने सोचा कि रहस्य पाना है तो मगन जी से ज्यादा अच्छा आदमी कौन मिलेगा, यह आदमी रहस्य रखने वाला हो सकता है। डालगणी ने एक रात मगन मुनि से बात करनी शुरू की कि मगन जी, तुम लोगों ने मेरा नाम निर्णीत कैसे कर लिया। महाराज इसमें क्या बात, हमको जो योग्य लगे उस उनका नाम निर्णीत हो गया। कि नहीं नहीं एक बात बताओ कि तुम लोगों ने मेरा नाम तय किया पर मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो तुम क्या करते। नहीं गुरुदेव ऐसा कभी संभव है क्या, आप अस्वीकार कैसे करते। नहीं मान लो अस्वीकार कर देता तो, कि तो क्या हम आपके पैर पकड़ लेते, आपको मनाते, आपको ही हम पट्टे पर बिठाते। मगन जी ठीक है, तुम्हारी सौ बातें ठीक है, आखिर मेरे मन पर तो मेरा अधिकार है ना, मैं स्वीकार नहीं करता, मेरी इच्छा की बात थी, फिर तुम क्या करते। अब डालगणी का तो प्रयास है कि मगन जी के मन की बात निकलवाऊं, मगन जी मुनि का प्रयास है कि मेरे मन की बात गुरुदेव के सामने आए नहीं, मन की बात मन में ही रहे। आखिर गुरु गुरु है, चेला चेला होता है। अब गुरु के सामने आखिर कब तक आदमी आग्रह पर रहे। कहा नहीं गुरुदेव हम मनाते, खूब हाथाजोड़ी करते, खूब आग्रह करते। नहीं अरे मगन जी तुम कुछ भी कर लेते, मैं नहीं ही मानता तो तुम क्या करते। अब मगन मुनि अभी भी बात
नहीं निकाल रहे हैं, तो डालगणी ने मेरे ख्याल से बड़े वात्सल्य भाव से बात करते करते, जब पास में ही मगन मुनि बैठे थे, बात करते करते उनका हाथ का पुंछा पकड़ा, हाथ पकड़ा, बोलो मगन जी तुम क्या करते अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो। अब गुरु ने हाथ पकड़ लिया और क्या चाहिए, गुरु हाथ पकड़ ले बहुत अच्छी बात है। सोचा अब तो कोई विकल्प है नहीं बचने का, तो बात बतानी पड़ेगी। तो कहा गुरुदेव बात यह है, हमारा प्रयास तो यही होता, हम जैसे तैसे आपको ही मनाते, आप बिल्कुल अस्वीकार हो जाते तो हमने एक विकल्प भी सोच रखा था। हाँ मगन जी, वो विकल्प क्या था वो मुझे जानना है। कहा गुरुदेव देखिए, आप बिल्कुल स्वीकार नहीं करते तो एक विकल्प था कालू मुनि। कालू? अरे कालू कौन सा कालू? मरा छोगा जी का बेटा कालू। अरे वो कालू छापर? अच्छा मगन जी, मैं आ रहा था तो दृष्टि तो मैंने भी काफी दौड़ाई, पर मगन जी यहाँ तक तो मेरी दृष्टि भी नहीं गई। खैर जाओ जाओ काम करो, जाओ जाओ। बात निकलवा ली, मगन जी को विदा कर दिया। मैं यह बता रहा हूं कि संग हित की कितनी भावना डालगणी के मन में। अब डालगणी के लिए क्या जरूरी था कि मुनि कालू छापर कोई उत्तराधिकार सौंपा जाए, सर्वाधिकार उनके पास था, चाहे जिसको सौंप दे। मुनि कालू छापर कितने कोई डालगणी के निकट रहे होंगे, मुनि कालू छापर भी तो थोड़े फक्कड़ रूप में बात करने वाली। हमने सुना तो यहां तक है कि एक दिन डालगणी ने मुनि कालू से भी बात कर ली, मुनि कालू से भी कहा आओ कालू जी आओ बैठो बात के। महाराज मुनि कालू आ गए कि कालू जी तुमने तो कुछ मुझे बात बताई ही नहीं कि मानवगणी के बाद क्या स्थिति रही यहाँ। कहा गुरुदेव आपने अनेक साधुओं ने बता दी होगी, अब मुझे क्या जरूरत है आपको बताने की। नहीं कालू जी तुम भी बताओ कैसी स्थिति रही। उन दिनों में मुनि कालू छापर थोड़े कमजोर थे स्वास्थ्य से, कुछ स्वास्थ्य में कठिनाई रही थी, कुछ कमजोर हो गए थे, पतले शेर कमजोर छोटी उम्र के भी थे, करीब करीब 21 वर्ष की अवस्था में, और डालगणी सामने विराजमान उनके उपपात में चरणों में मुनि कालू बैठे। और अब मुनि कालू ने अपना दिल खोल कुछ बातें रखने का प्रयास किया डालगणी के सामने। कहा गुरुदेव क्या बताएं आपको पिछली बातें। महाराज जो व्यक्ति आज आपके सामने लंबे लंबे हाथ जोड़ रहे हैं, खूनी तक हाथ जोड़ रहे हैं, हमें पता है उन्होंने क्या क्या बातें की थी। महाराज इतने लंबे हाथ मेरे से नहीं जोड़े जा सकते, मैं तो इतना सा हाथ जोड़ूंगा, बहुत लंबे हाथ नहीं जोड़ सकता आपको। तो महाराज ठीक है, क्या क्या बातें हुई वो अनेक स्थितियां बनी है, अब हम सनाथ हैं, आप जैसे आचार्य हमें प्राप्त हैं। अनुमान ऐसा है कि जब मगन मुनि से बात हुई डालगणी की, फिर मुनि कालू से भी बात हो गई, तो उन्हीं दिनों में डालगणी ने अपना मानसिक निर्णय कर लिया था कि मेरा उत्तराधिकारी तो मुझे प्राप्त है, चिंता की ज्यादा जरूरत नहीं, जब अपेक्षा होगी मुनि कालू छापर को काम में लिया जा सकेगा। अब मुनि कालू छापर को उत्तराधिकारी बना मैं तो डालगणी का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय मानता हूँ कि जो साधु उनका निकट का नहीं रहा हो, एक अलग प्रकार का रहा हो, अपने ढंग का रहा हो, ऐसे साधु को भी संघ हित को सामने रखते हुए अपना उत्तराधिकार प्रच्छन्न रूप में सौंप देना एक संघ हितैषिता का मेरी दृष्टि में उदाहरण है। और जहाँ समुदाय होता है वहाँ एक दूसरे की शिकायतों की बात भी हो सकती है, और कहीं कहीं पूरी जानकारी के बिना भी कोई शिकायत हो जाए। मगन मुनि ने भी कितना सहन किया था, डालगणी के पास रहना कोई आसान बात थी क्या? डालगणी जैसे तेजस्वी आचार्य के पास गुरुकुलवास में रह जाना भी कोई साधारण बात है क्या?
मगन मुनि किस प्रकार डालगणी के पास रहे और उलाहने भी खाए, कड़ाई भी भोगी। अब कड़ाई से भी कई बार आदमी निखरता है। गिर भीर गुरुणाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम अलब्ध सानोत्कसना नृपाणाम न जातु मौलव मनयो वसंती। गुरुओं की कड़ी डांट भी मिल जाए, तिरस्कार भी गुरु कर दे, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। गुरु के द्वारा तिरस्कार कदाचित हो जाए, कड़ा उलाहना भी आ जाए, उस समय भी विनय भाव रखना चाहिए। शांत भाव से उलाहने को स्वीकार करना चाहिए और आवेश में नहीं आना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। मन में यह नहीं कि किस प्रकार मुझे सबके बीच में डांट दिया, बस गुरु ने डांट दिया तो उसके गुरु के प्रति विनय भाव रखो। गणपति कोप्याई गाढ़ा रहो, गणपति कुपित हो जाए तो भी मजबूत रहो संघ में, और गुरु के प्रति विनय कम मत करो। जो विनय कृपा काल में रखा है तो कठोर दृष्टि के काल में वह विनय कम मत करो, हो तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही करो, कम मत करो विनय को। क्योंकि गुरु का कोप सहनीय होता है, उसे बर्दाश्त करना चाहिए, शिरोधार्य करना चाहिए। तो डाल गणी की डांट को भी मुनि मगन ने कैसे झेला था। तो मंत्री मुनि ऐसे ही नहीं बन गए थे। कितना कुछ आदमी होता है, खपता है, तब कुछ विशेष स्थान प्राप्त हो सकता है। श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी हमारे पार्श्व में विराजमान हैं। एक लंबा संयम पर्याय है और लंबे संयम पर्याय में विभिन्न अनुभव भी हुए होंगे। कभी कड़ाई की स्थिति भी, कम कृपा की स्थिति भी, और कभी खूब प्रोत्साहन की स्थिति भी। तो जीवन में उतार चढ़ाव किसी के भी आ सकते हैं। तो संघ में भी, व्यक्तिगत जीवन में, आचार्यों के संदर्भ में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। एक समय पर खूब कृपा होती है आचार्यों की, तो कभी वह कृपा कोप दृष्टि में भी परिणत हो सकती है। कभी कम कृपा उपेक्षा होती है, तो कभी इतनी वापिस कृपा हो जाती है कि पूछो मत। तो ऐसी स्थितियों को भी झेलना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि शासन हमारा आधार है, साधना का आधार है। तो शासन में शासन पति का बड़ा महत्व होता है। शासन में तो सर्वाधिक महत्व शासन पति का होता है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। और शासन पति का निर्देश अनचैलेंजेबल होता है। हमें यह शासन मिला है, यह हमारे भाग्य की बात है। गीत में कहा गया, भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृतमय प्याला, भिक्षु ने आला धार्मिक जग की शान मिला यह तेरा, आला धार्मिक जग की शान मिला यह तेरा, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा, करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ मा। तो हमें यह साधना का आधार भिक्षव शासन मिला हुआ है। इस शासन के विधानों के प्रति, व्यवस्था के प्रति, शासन पति के प्रति हमारी निष्ठा रहे
और हमारे द्वारा शासन की जो सेवा संभव हो सके, हमारे लायक जो सेवा हो शासन की, वह सेवा करने के लिए भी हम तत्पर रहें, क्योंकि शासन हम सबका है, शासन सबका है, इसलिए शासन में सेवा दी भी जाती है, शासन से सेवा ली भी जा सकती है। तो शासन की सेवा के लिए हम तत्पर रहें, यह अपेक्षित है। तो यह साधना का आधार जो शासन है हमें प्राप्त है, हम उसकी सेवा का भी यथोचित प्रयास करते रहें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे।